हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टोरी टैब किसी चैनल को कब दिया जाता है, इसके क्या क्राइटेरिया हैं, इस चैनल को कितने दिनों के बाद दिया जाता है, इस तरीके के सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इसमें स्टोरी टैब से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी, जितनी भी जानकारियाँ होगी, वो सारे आपको इस वीडियो में कम्प्लीट दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube में काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हो तो आपने कम्युनिटी टैब के बारे में ज़रूर सुना होगा, और ये भी आपको पता होगा कि कम्युनिटी टैब किसी चैनल को कब दिया जाता है। दोस्तों, इसके क्राइटेरिया है कि जब भी आपके चैनल पे 1K के सब्सक्राइबर्स यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको 1 वीक के अंदर आपको कम्युनिटी टैब दे दिया जाता है। और अगर तब भी आपको ना मिले तो अप्लाई करके आप YouTube टीम से बोल करके आप अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब इनेबल करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक है स्टोरी टैब, जहां पर आप 30 सेकेंड का कोई वीडियो क्लिप अपने वीडियो क्लिप को ऐड कर सकते हो और उसमें फुल वीडियो का लिंक भी उसमें शेयर कर सकते हो। लेकिन कम्युनिटी टैब जो होता है दोस्तों, उसमें है कि आप YouTube के वीडियो को थंबनेल या फिर डायरेक्ट वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, और जो स्टोरी टैब होता है उसमें आप उस वीडियो का क्लिप 30 सेकेंड का मैक्सिमम कट करके आप उसको उसमें अपलोड कर सकते हो, और उसका लिंक, फुल वीडियो का लिंक आप उसमें दे सकते हो। तो दोस्तों, ये फीचर है, ये प्रत्येक चैनल को एक्चुअल में दिया नहीं जाता है, ये वैसे चैनल को दिया जाता है जो जेन्युइन कंटेंट अपलोड कर रहा हो, यानी कि वो उस चैनल का खुद का कंटेंट हो, उस बंदे का खुद का कंटेंट हो, तभी उस चैनल में स्टोरी टैब दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता है। जैसे कि स्टेटस वाले चैनल्स हो गए, या फिर वैसे चैनल्स जो वेबसाइट्स को देखकर सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ते जा रहे हैं, उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और उसे अपलोड कर दे रहे हैं, तो वैसे चैनल्स को भी स्टोरी टैब नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, जो जेन्युइन कंटेंट हो, कहने का मतलब है जिसमें आपका फेस हो, आपका वॉइस हो, वैसे चैनल्स में आपको स्टोरी टैब दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है? तो दोस्तों, जब भी आपके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब आपको मिल जाता है, लेकिन 1 वीक आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको स्टोरी टैब का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहां पर आप 30 सेकेंड का वीडियो को उस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़, ये छोटा सा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई जानकारी मिली होगी। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।